अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एमवीसी एएसपी डॉट नेट ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। बेसिकली व्हेन वी आर टारगेटिंग द होल वर्ल्ड और द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें जो है वो अपनी ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है ताकि वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लोगों के हिसाब से ओपन हो। लेट्स से इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ ओपनिंग इन सऊदी अरेबिया, सो इट शुड बी ओपन इन अरेबिक, इट शुड गिव द इंटरफेस इन अरेबिक, ओके। एंड इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ ओपनिंग इन समवेयर इन द यूरोप, लेट्स से इन फ्रांस, सो इट शुड ओपन इन फ्रेंच। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने अगर अपनी एप्लीकेशन को बनाना हो तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके इस्तेमाल होते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन को I18N कहते हैं बिकॉज I और N के दरमियान में 18 कैरेक्टर्स हैं, तो इतनी लंबी स्पेलिंग लिखने के बजाय आप शॉर्ट में लिखते हैं I18N, सो इंटरनेशनलाइजेशन को ऐसे भी लिखा जाता है। एंड सो इज़ द केस विद ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। खैर, आगे चलते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो करंट कल्चर को ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो बेसिकली आप दुनिया जहां के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के अंदर होते हैं, कहीं पर जो है वो डेट किसी तरीके से लिखी जा रही होती है, कहीं पर डेट किसी तरीके से लिखी जा रही होती है। लेट से कहीं पर मंथ पहले आ रहा होता है, कहीं पर ईयर पहले आ रहा होता है, कहीं पर डे पहले आ रहा होता है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजन्स आप जो है वो हर तरीके से जो है वो अपनी ऐप को स्मार्ट बनाएं ताकि हर जगह पर वो एप्लीकेशन उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली खुले। या फिर आप यूज़र को चॉइस भी दे सकते हैं कि अगर कल्चर जो है वो फ्रेंच हो तो फिर आप फ्रेंच में दिखाएं, अगर कल्चर जो है वो फिर अरेबिक हो तो फिर अरेबिक में दिखाएं। तो इस तरीके का काम जो है वो आप अपनी वेबसाइट में करवा सकते हैं वाया दीज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ कैन वी डू दैट। सबसे पहले तो आप एक ब्लैंक ऐप बना लें एमवीसी के ऊपर, न्यू प्रोजेक्ट, और इसके अंदर एएसपी एप्लीकेशन, और इसका नाम रख दें लोकलाइजेशन एग्जाम्पल और ग्लोबलाइजेशन एग्जाम्पल, कोई भी नाम दे दें आपकी मर्जी है, एंड देन क्लिक ओके। एमटी एमवीसी ऐप एंड क्लिक ओके। अगर इनकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो लोकलाइजेशन में आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो आप चेंज करवाते हो, ट्रांसलेट करवाते हो दूसरी लैंग्वेज में, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपके जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे करेंसी है, डेट टाइम फॉर्मेट है, इस तरह के जो मामलात हैं वो आप फिर इसमें करवाते हैं। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन बन चुकी है, इसके अंदर जो है वो हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। सबसे पहले एम टी कंट्रोलर, और इसके बाद इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से डिफ़ॉल्ट ही रख देते हैं इसका नाम। अभी इस कंट्रोलर के अंदर हम जो है वो एक व्यू भी ऐड कर लेते हैं, ऐड व्यू एंड क्लिक ओके। तो एक सिंपल सी ऐप बनाई है हमने जिसके अंदर कुछ अब हम काम करेंगे। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि MVC के अंदर और जो आपकी ये जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है इसमें .NET फ्रेमवर्क के अंदर दुनिया जहां के डिफरेंट कल्चर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, और आप उन कल्चर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपके कल्चर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं और कुछ आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास दिखाता हूँ मैं थ्रेड। अब थ्रेड की क्लास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप इसको ऐड कर लें, रिजॉल्व कर लें यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट लुक, करंट कल्चर, करंट यूआई कल्चर, ये दो आपके पास जो है वो क्लासेस हैं, मतलब प्रॉपर्टीज हैं। गेट्स और सेट्स द करंट कल्चर, सेट्स द करंट कल्चर फॉर द करंट थ्रेड, एंड द सेकंड थिंग इज गेट्स और सेट्स द करंट कल्चर यूज्ड बाय द रिसोर्स मैनेजर टू लुक अप द स्पेसिफिक कल्चर रिसोर्सेज एट रन टाइम। सो ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये रिसोर्स फाइल्स के बेस के ऊपर जो है वो आपकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो हम करंट कल्चर जो है वो गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो अगर करंट कल्चर में यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूँ जैसे कि AR-SA, तो इससे क्या होगा, ये जो मैंने नोटेशन लिखी है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अरेबिक और सऊदी अरेबिया, सही है, अरेबिक एंड सऊदी अरेबिया। Just like if I write here FR-FR, this means that French and then France. Similarly, UR- in capitals PK. So this is Urdu and Pakistan. So this is how you can denote the culture and their country in this similar fashion, right? तो आगे चलते हैं अब, लेकिन ये इसको असाइन नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसको असाइन करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखें new culture info। अब देखें, because you haven't added
System.globalization. So first you have to add using System.globalization. तो इससे क्या होगा कि कल्चर इन्फो की एक क्लास होती है आपके पास, जिससे आपकी कल्चर आप सेट भी कर सकते हैं और करंट कल्चर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं. तो लुक, ये मुझसे क्या मांग रहा है, या तो आप कल्चर का नाम दे दो या कल्चर का इंडेक्स नंबर दे दो, तो कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कोड को लिखने से अपनी एप्लीकेशन का जो करंट थ्रेड है, थ्रेड मीन्स द वर्किंग एप्लीकेशन दैट यू आर रनिंग राइट नाउ, सो उसका जो थ्रेड है उसके अंदर कल्चर को आपने कर दिया ये. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट गो एंड राइट क्लिक क्रिएट अ व्यू बैग एंड राइट हियर डेट, और डेट के अंदर आप दे दें डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग स्ट्रिंग, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग और टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग. तो मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट की डेट जो है वो यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो इसके हिसाब से फिर मेरे पास उर्दू के अंदर डेट आनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे AR-SA सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अरेबिक के अंदर मेरे पास डेट आए जब मैं इसके व्यू को रन करूँ. तो अब इसके व्यू पे चलते हैं और इसके व्यू के अंदर हम क्या दिखा देंगे, इंडेक्स के बजाय लिख देते हैं @viewBag.date. सिंपल. तो व्यू बैग के जरिए हमने डेटा पास कराया. इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले हो जाइए. नाउ लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट विल गेट द आउटपुट. सो लुक गाइज, वॉट एवर कल्चर यू विल प्रोवाइड, इट विल गिव यू द रिजल्ट इन दैट सिमिलर मैनर. दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. सही है, तो आपकी जिस भी कल्चर में एप्लीकेशन खुलवानी है आपने, उस कल्चर को आप सिलेक्ट करवा लें, उसको सेट करवा लें एज अ डिफॉल्ट कल्चर, और उसके बाद आप काम कर लें यहाँ पे. लाइकवाइज आप यहाँ पे एक पूरा मेन्यू भी बना सकते हैं. जब आप इस चीज़ को यहाँ हार्ड कोड कर रहे हैं इस जगह पर कि भाई आपका जो कल्चर है वो ये होना चाहिए, यही आप जो है वो यूज़र से रन टाइम पे भी ले सकते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया का कल्चर दिखाओ, या फिर जो है वो फ्रांस का कल्चर दिखाओ, या फिर जो है वो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लिश और फ्रेंच जो भी है, तो आप वो यहाँ पे रन टाइम के ऊपर भी सेट करवा सकते हैं इसको जब आप यहाँ हार्ड कोड कर रहे हैं. तो एक तो ये चीज़ हो गई. सिमिलरली वी कैन हैव करेंसीज एज वेल. लेट अस चेक फॉर दैट. सो व्यू बैग डॉट अमाउंट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मैट एंड इट शुड बी लाइक 0:C, C फॉर करेंसी, राइट. एंड इन दिस स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू एड एन आर्ग्यूमेंट 56.88F बिकॉज इट इज अ फ्लोट. ओके, सो इट विल बी फॉर्मेटेड इन साइड इन टू अ करेंसी स्पेसिफायर एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन साइड अमाउंट, राइट. तो अब इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है. कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट राइट बिलो दिस एंड इंस्टेड ऑफ डेट राइट हेयर अमाउंट व्यू बैक डॉट अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट है. सेव इट एंड रन इट. लुक गाइज, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन इन अरेबिक. सो लेट्स चेंज द कल्चर एंड चेक सम अदर कल्चर्स वी हैव. लेट्स से FR-FR फ्रांस एंड रन इट. सो लुक गाइज, नाउ द कल्चर इज चेंज्ड फ्रॉम अरेबिक टू फ्रेंच. तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से आप रन टाइम के ऊपर ये चीज़ यूजर से भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और रन टाइम पे जो है वो आप अपनी कल्चर को रीलोड करा के चेंज भी करा सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. अब आगे चलते हैं. दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. यहाँ तक तो मामला ठीक है, बट जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली. यू हैव टू क्रिएट रिसोर्स फाइल्स. उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम किस तरीके से होगा, लेट अस चेक. ऑलराइट, इफ यू विश टू सी द कल्चर्स यू हैव, सो क्रिएट अ फॉर ईच लूप एंड राइट हियर कल्चर इन्फो. सो कल्चर इन्फो, इनसाइड कल्चर इन्फो, मतलब मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ. मैंने CI के नाम से वेरिएबल बना लिया, और उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पर जो भी आपका कलेक्शन है कल्चर इन्फो का, आप वहाँ से ले सकते हो. डॉट कल्चर्स. सो बिफोर फॉर ईच लूप एक काम और कर लें आप, कल्चर इन्फो टाइप का एक एरे बना लें और इसका नाम आप रख लें CI इक्वल टू कल्चर इन्फो डॉट गेट कल्चर्स. अगर आपने सारे के सारे कल्चर्स को लिस्ट डाउन करवाना है तो आप जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं इसको कल्चर टाइप्स डॉट ऑल कल्चर्स.
तो सारे के सारे कल्चर्स जितने भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर सपोर्टेड हैं वो सारे के सारे उठ के इस CI के अंदर आ जाएंगे। और अब आप यहाँ पर इसको C कर दें और इसको CI कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, सिंपल इस कल्चर के अंदर, इस CI के एरे के अंदर जितने भी कल्चर्स हैं उन सबको आप वन बाय वन उठाएं और डिस्प्ले करवा दें, सही है। तो ये काम भी आप कर सकते हो, एक लिस्ट में ऐड करवा लें, लेट्स से एक लिस्ट बना लेते हैं, वी कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट। मुझे क्या पता कितने कल्चर्स हैं, तो मैं एरे की लेंथ तो डिफाइन नहीं कर सकता, सो आई कैन क्रिएट अ डायनामिक एरे, एरे लिस्ट, राइट, एरे लिस्ट, इट इज़ अ कलेक्शन बट इट इज़ नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, सो प्रेस कंट्रोल डॉट एंड यूज दिस नेम स्पेस सिस्टम डॉट कलेक्शन AR इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एंड इनसाइड दिस एरे लिस्ट यू कैन स्टोर एक्चुअली योर डेटा दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कल्चर लिस्ट, AR डॉट एड, ओके, एंड इनसाइड दिस एड यू कैन एड दिस CI डॉट, सो यू कैन एड C डॉट नेम, लुक इट विल गेट द नेम ऑफ द कल्चर इन दिस फॉर्मैट लाइक दिस, लैंग्वेज कोड देन कंट्री देन और रीजन कोड, राइट। सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, जिस तरह से मैं लिख के बता रहा था, ENUS, FR, FR, AR, SA एंड सो ऑन, इंग्लिश नेम, डिस्प्ले नेम, नेटिव नेम, वट एवर यू वॉन्टेड टू राइट, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप डेटा दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो नेम, और उसके बाद जो है वो इसी तरीके से आप कॉन्कैटिनेशन करवा कर स्पेस देकर सी डॉट इंग्लिश नेम और डिस्प्ले नेम, वट एवर यू वॉन्टेड टू, यू कैन डू दैट, सही है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्लियर है सब लोगों को। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास इस एरे लिस्ट के अंदर सारा के सारे डेटा आ जाएगा। अब आप इस एरे लिस्ट को क्या करें, एक व्यू बैग में डाल दें, व्यू बैग डॉट ए बी सी इक्वल टू ए आर, तो आपकी एरे लिस्ट पूरी के पूरी यहाँ आ जाएगी। और जब यहाँ आ जाएगी तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको पूरे के पूरे को जो है वो यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा दें। तो मैं ऐट दी रेट फॉर ईच लूप कर लेता हूँ यहाँ पर, फॉर ईच, और यहाँ पर मैंने कर दिया वेरिएबल v in इन वॉट इन व्यू बैग डॉट ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर जो कुछ भी डेटा होगा वो सारा का सारा वन बाय वन उठ के v में आएगा, और इस v को फिर आप डिस्प्ले करवा दें p के टैग में, लेट्स से p एंड p का टैग क्लोज, और इसी तरीके से आप यहाँ दे दें v, सिंपल। तो आपके पास जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर p के अंदर शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ लगा दें br ताकि हर चीज़ जो है वो न्यू लाइन के ऊपर आए। लेट अस रन दिस कोड एंड सी व्हाट विल हैपन। सो गाइज लुक, मेरे पास अलग अलग कंट्रीज़ के सारे कल्चर्स आ रहे हैं जो कि .NET फ्रेमवर्क में सपोर्टेड हैं। अब मैंने यहाँ पे br नहीं लगाया हुआ और उसको प्रॉपरली नहीं दिखाया हुआ, इस वजह से ये इस तरीके से दिखा रहा है। मतलब आप अगर इसको जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली br वगैरह का टैग लगा लें तो फिर जो है वो आपको सही से दिख जाएगा। ये इसको सेव कर लेते हैं आप और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपके पास हर जो कल्चर कोड है वो देखें इस तरीके से अलग अलग आ रहा होगा। देखें कितने सारे, मतलब दुनिया जहाँ के जितने भी कल्चर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ सपोर्टेड हैं, और आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं हर कंट्री का, हर उसके एतबार से, सही है। दिस इज़ आर कल्चर, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट हो रहा है एंड सो ऑन, क्लियर है सब लोगों को। अब हम आगे चलते हैं लोकलाइजेशन की तरफ। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स लोकलाइजेशन, उसके लिए हमें अब थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि एक फोल्डर बनाना होगा हमें, ऐड, और उसके बाद न्यू फोल्डर, इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। और इस रिसोर्सेज के अंदर, बिकॉज जब हम लोकलाइज करते हैं किसी चीज़ को तो फिर हम लोग उसमें अपने रिसोर्स फाइल्स बनाते हैं अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस एंड विद रिस्पेक्ट टू व्यूज भी, आप जो है वो सेपरेट व्यूज अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं। तो हम लोग जो है वो रिसोर्स फाइल बनाएंगे। हाउ टू ऐड अ रिसोर्स फाइल, क्लिक ऐड एंड रिसोर्स फाइल, लुक। अब इस रिसोर्स फाइल का नाम रख लें माय रिसोर्सेज या माय रिसोर्स, जो भी आप नाम रख लें, ओके। एक रिसोर्स फाइल कुछ भी नहीं होती, इसके अंदर आप जो है वो अपनी की देते हैं और वैल्यू देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट और विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिक्स ऑल्सो, सही है। अच्छा, अब इस रिसोर्स फाइल के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैसेज और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम। एक डिफॉल्ट मैंने जो है वो एक की बनाई और उसके ऊपर वैल्यू डाल दी है, सही है। इफ़ यू विश टू स्पेसिफाई एनी कॉमेंट्स यू कैन स्पेसिफाई कॉमेंट्स ऑल्सो। एक रिसोर्स फाइल तो आपकी ये हो गई। नाउ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लोगों ने और रिसोर्स फाइल्स भी बनानी है, बट वो कैसे होगा, और उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो है वो यहाँ पर आपने इसके एक्सेस मॉडिफायर को पब्लिक करना है ताकि ये रिसोर्स फाइल एक्सेसिबल हो हर जगह पर। इसको सेव कर लें, उसके बाद अब आप आ जाएं अपने रिसोर्सेज के फोल्डर पे और ऐड करें, और यहाँ पर अब आप एक और रिसोर्स फाइल ऐड करें, और इस रिसोर्स फाइल का नाम भी वही रखोगे
जो कि आपने पहले वाली का नाम रखा है माई रिसोर्सेज, बट दिस टाइम यू यूज दिस, ओके, डॉट आर ई एस एक्स, दैट इज द एक्सटेंशन. तो जो आपका कंट्री कोड और जो कल्चर है आपका, वो आप स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उस फाइल को ऐड कर लेंगे. लुक, तो आपके पास जो है वो एक फाइल इस तरीके से ऐड हो गई है. क्लियर है ये बात सब लोगों को? अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इज द केस, आपने यहाँ मैसेज लिखा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा था. नाउ कॉपी दिस वेलकम एंड गो टू योर ब्राउजर एंड राइट हियर ट्रांसलेट, और एक मैसेज ट्रांसलेट कर लेते हैं यहाँ पे. जैसे वेलकम है तो वेलकम के को फ्रेंच में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ रहा है. अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ लिख दूंगा. सो वील जस्ट हार्ड कोडेड द सेम थिंग बट विद डिफरेंट लैंग्वेज. द मैसेज की इज सेम हियर. सॉरी, मैंने गलत जगह पे जो है वो यहाँ पेस्ट कर दिया. यहाँ पेस्ट करना है मुझे फ्रेंच की जो आपके पास फाइल है उसके अंदर. लाइकवाइज यू कैन क्रिएट मल्टीपल रिसोर्स फाइल्स फॉर डिफरेंट कल्चर्स, राइट, और उनके अंदर आप उनकी रिस्पेक्टिव जो है वो मैसेज डाल देंगे. एक और फाइल बना लेते हैं अरेबिक के लिए. राइट क्लिक, एड रिसोर्स फाइल, माई रिसोर्सेज डॉट ए आर डैश एस ए डॉट आर ई, बल्कि यहाँ पर इसको जो है ऐसे ही सेव कर लें तो वो रिसोर्स फाइल में ही सेव होगी. अच्छा नहीं, एक मिनट, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई. डॉट आर ई एस एक्स लिखना था मुझे, सॉरी. आई थॉट कि एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी बट वो नहीं हुई. एड एंड रिसोर्स फाइल, माई रिसोर्सेज डॉट ए आर डैश एस ए डॉट आर ई एस एक्स. तो अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास रिसोर्स फाइल एक और ऐड हो गई इस तरीके से. आई होप अब तक आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पर भी आप अपनी की रखेंगे, लेट्स से मैसेज, सही है, और इंस्टेड ऑफ वेलकम मैं यहाँ फ्रेंच के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ अरेबिक. तो लेट्स से दिस इज माई मैसेज एंड आई हैव टू स्पेसिफाई दिस मैसेज इन साइड माई एस ए फाइल हियर. सेव, ओके. सो आई हैव क्रिएटेड थ्री डिफरेंट फाइल्स. लाइकवाइज यू एड मोर मैसेजेस एज वेल. लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, व्हाई आई एम डूइंग दिस. आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार सब कुछ हार्ड कोड कर रहे हैं. लेट से यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म विद द नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड मैनी मोर फील्ड्स. तो आप उन फील्ड्स को भी तो ट्रांसलेट करवा सकते हो ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में. लेट से यू वॉन्ट टू डिस्प्ले योर फॉर्म इन इंग्लिश, और यू वॉन्ट टू डिस्प्ले योर फॉर्म इन उर्दू और इन फ्रेंच और इन अरेबिक और इन एनी अदर लैंग्वेज दैट वी हैव इन साइड वर्ल्ड, राइट. तो आप उसके हिसाब से अपने फॉर्म के जो लेबल्स आ रहे हैं उनको भी तो ऐसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं आप. आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है. और जो टेक्स्ट आपने हार्ड कोड करना है वो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं. तो खैर, मैंने फिलहाल तो यहाँ पे एक ही वैल्यू बनाई है. आप दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी हैं वो आप इसी तरह से कीज और वैल्यूज बनाते रहें, ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू चेक हाउ कैन वी यूज दैट थिंग्स. सो गो टू योर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड व्हाट वी हैव एन इंडेक्स एक्शन मेथड. यहाँ पर आपका इंडेक्स एक्शन मेथड है, मतलब ये आपका व्यू है. इसके अंदर आप इसको कमेंट आउट कर दें बिकॉज आई डोंट वांट टू लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स इंस्टेड. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने नहीं की, दैट इज द एक्सेस स्पेसिफायर. इसको भी आपने पब्लिक करना है और इसको भी आप लोगों ने पब्लिक करना है, ठीक है. आफ्टर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स एज पब्लिक, अब आप आ जाएं अपने इंडेक्स पर और अपने एक्शन मेथड पर. यहाँ पे इस फॉरीच के लूप को आप, बल्कि इसको रिमूव ही कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसकी ज़रूरत है. सिंपल हम एक काम ये करेंगे कि करंट कल्चर यहाँ पे क्या सेट हुआ हुआ है, FR, राइट. तो फिर हमारे पास डेटा और जो मैसेज है वो भी जो है वो फ्रेंच के अंदर आना चाहिए. तो यहाँ पर हम सिंपल एक काम करते हैं, एट द रेट माई रिसोर्सेज, सॉरी रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्सेज का फोल्डर यहाँ पे आना चाहिए. मेरे फोल्डर का नाम क्या है? यस, इट इज़ रिसोर्सेज. सो एट द रेट आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है? लोकलाइजेशन एग्जाम्पल डॉट रिसोर्सेज, दैट इज माई फोल्डर. इन साइड दैट फोल्डर आई हैव माई रिसोर्सेज. लुक, एक ही आ रहा है आपके सामने, एक ही क्लास आ रही है, माई रिसोर्सेज और सॉरी माई रिसोर्सेज डॉट एम एस जी. दैट वॉज योर मैसेज, और ये मैसेज मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ. अब इसको आप रन करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है आपके पास. स्टार्ट. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ आपने और ख्याल रखनी है. जैसे कि मैंने स्टार्ट की क्लास में आपको अभी इस लेक्चर के अंदर बताया था कि जब आप नॉर्मल कल्चर को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप तो इस तरह से करंट कल्चर लगा लेते हो, बट वेन यू आर डीलिंग विद रिसोर्स फाइल्स
तो आपने यहां पर करंट यूआई कल्चर करना है इसको, सही है। तो बिकॉज ये और वो दोनों डिफरेंट थे, करंट यूआई कल्चर आपके देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट्स और सेट्स द करंट कल्चर यूज बाय रिसोर्स मैनेजर टू लुक अप द कल्चर स्पेसिफिक रिसोर्सेज एट रन टाइम। तो हमने रिसोर्स फाइल्स ही बनाई है, तो इस वजह से यूआई कल्चर करना जरूरी है। अब हम लोग जो है वो एफआर के ऊपर चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारा वो मैसेज है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट अस चेक। तो आप लोग देख सकते हैं वेलकम की जगह मेरे पास वो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है जो कि फ्रेंच में, सही है। अब हम इसको जो है वो करते हैं अरेबिक के अंदर, यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस ए आर डैश एस ए सेव एंड रन। लुक, तो इट इज द वेलकम इन अरेबिक, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन ग्लोबलाइज एंड लोकलाइज योर कंटेंट विद इन योर वेबसाइट, राइट। सो वन थिंग यू माइट हैव नोटिस दैट द थिंग्स आर नॉट चेंज नाउ, दीज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, व्हाई? बिकॉज आई हैव चेंज्ड टू यूआई कल्चर। सो यू कैन ऐड दिस अलोंग विद, बिकॉज यू आर इन रनिंग मोड, स्टॉप इट, एंड यू कैन ऐड लाइक दिस, ओके। सो यू कैन यूज दिस थिंग एंड दिस थिंग टुगेदर, नाउ सी व्हाट विल हैपन। बट व्हाट विल हैपन, आपने यहां पर तो अपडेट कर दिया इसको यूआई कल्चर और करंट कल्चर यहां पर ये दे दिया है। अब देखते हैं कि रिजल्ट आपके पास क्या आता है। इसको डिफॉल्ट और इंडेक्स कर दें ताकि रिजल्ट आए। ऑलराइट, सो सही है भाई। आपके पास जो है वो जब आप यूआई कल्चर लगाते हैं तो रिसोर्स फाइल्स के हिसाब से आपके पास चेंजेस हो रही हैं यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर, और जब आप सिर्फ करंट कल्चर और जो अभी हम लोगों ने ये लगाया था तो उसके हिसाब से फिर आपकी डेट टाइम और करेंसी और ये सारे मामला जो है वो उस कंट्री के हिसाब से सेट हो रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो ये कि जिस तरह से मैंने इसको हार्ड कोड कराया है, आप इसके बजाय यहाँ पर 3-4 लिंक्स लगा के अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड सो ऑन, आप जब लिंक पे क्लिक करें तो उसके हिसाब से आपका कंटेंट जो है वो आपका फॉर्म, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वो उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ डू आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।